हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम ड्रम्स मिक्सिंग को डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने ड्रम्स को मिक्स कर सकते हो। मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर आपको बताया था कि आप किस तरह से ड्रम्स अरेंज कर सकते हो, तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हो, वो आई कार्ड में आ रहा होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग मेरी पूरी वीडियोज़ देखते हैं और उसे लाइक नहीं करते तो उनका कयामत के दिन अलग से हिसाब होगा। ये मेरा बहुत ज़्यादा फेमस डायलॉग है। खैर यार, मेरी वीडियोस पे कोई 1000-2000 व्यूज़ होते हैं लेकिन मेरी वीडियोस पे कोई 200 लाइक्स भी नहीं होते, तो यार ये काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटिंग चीज़ है। काइंडली प्लीज़ लाइक कर दिया करो, बिल्कुल फ्री है। इवन अगर टाइम मिला करे तो कोशिश किया करो कि प्लीज़ कॉमेंट्स भी कर दिया करो, उससे आपके भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं कंसिस्टेंट रह सकूं। तो खैर, उसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम हसन शेख है, मैं एक ऑडियो इंजीनियर, म्यूज़िक प्रोड्यूसर, सिंगर, सॉन्ग राइटर हूँ। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पर मैं मोस्टली ऑडियो एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन के ट्यूटोरियल्स अपलोड करता हूँ और अपना म्यूज़िक भी अपलोड करता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि आज मैं आपको वो सारे मेथड्स बताऊंगा जो कि मैं खुद यूज करता हूं, खुद यूटिलाइज करता हूं अपने ड्रम्स को मिक्स करने के लिए। और जो मैं मोस्टली आज ड्रम्स मिक्सिंग के लिए यूज करूंगा वो बेसिकली चैनल स्ट्रिप को यूज करूंगा। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं क्यूबेस की चैनल स्ट्रिप पर पूरी एक वीडियो बनाऊं तो हैशटैग चैनल स्ट्रिप करके कॉमेंट लाजमी करना ताकि मुझे पता होगा कितने लोग चाहते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। उसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली अपना एक कवर सॉन्ग रिलीज़ किया जिसका नाम गलत फहमी है और उसे काफ़ी लोगों ने पसंद किया है। आप लोग वो जाकर सुने, उसका भी लिंक आई कार्ड में मिल जाएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका भी एक ब्रेकडाउन वीडियो बना दूंगा। तो खैर, काफ़ी बातें हो गई, अब चलते हैं क्यूबेस के अंदर और आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो जी, हम यहाँ पर क्यूबेस के अंदर आ गए हैं और ये वो प्रोजेक्ट है जो कि हमने अरेंज किया था और इसके अंदर मैंने ये ड्रम सीक्वेंस किए थे, ड्रम्स अरेंज किए थे। मैं आपको पहले ये थोड़ा सा सुना देता हूँ और उसके बाद हम इसकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। ओके, तो ये है हमारे पास वो प्रोजेक्ट और हम इसके ड्रम्स बेसिकली आज मिक्स करेंगे। और सबसे पहले चीज़ जो हम यहाँ पर करेंगे, हम ड्रम्स को सीक्वेंस करेंगे और उन्हें हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमने करना क्या है कि हम सबसे पहले इस पूरी मिडी फाइल को जहाँ हमने ड्रम्स अरेंज किए थे इसे मैं डुप्लीकेट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर इस वाली फाइल को मैं यहाँ से डिसेबल कर दूंगा क्योंकि ये मेरे पास ओरिजिनल फाइल है और इन केस मुझे आगे जाके कोई चीज़ चेंज करनी हुई तो मैं इसे इनेबल करके वापस कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मास्टर कॉपी यहाँ पर एज इट इज़ पड़ी हुई है। उसके बाद जब यहाँ पर ड्रम्स आ गए हैं हमारे पास तो यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूंगा, ये मेरे पास हैं ड्रम्स फुल, ठीक है। और इसे बेसिकली हम कर लेंगे ग्लू। मैं जब इसे ग्लू कर लूँगा तो ये पूरी एक फाइल बन जाएगी, पहले ये सेपरेट थी आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी मिडी फाइल के अंदर, इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम वो देख लेते हैं। मैं बेसिकली इन्हें डिलीट कर देता हूँ जो एक्स्ट्राज हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पूरी सीक्वेंस है हमारे इस ट्रैक की। अब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं हमने उन्हें काउंट करना है। जैसे हमारे पास किक है, स्टिक है, स्नेयर है, हाई हैट्स हैं, वो हमने बेसिकली काउंट करने है कि हमारे पास कितनी चीज़ें यहाँ पे अरेंज हुई हुई हैं। तो सबसे पहले हम काउंट कर लेते हैं। ये हमारे पास किक है C1 पे 1, ये स्टिक है 2, ये स्नेयर्स हैं, ठीक है 3, उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है 4, टॉम्ब है ये हमारे पास 5, हाई हैट्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद एक और हाई हैट है, ओपन हैट भी कह सकते हैं आप इसको। तो ये हमारे पास हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 हमारे पास ये हो गए। और उसके बाद हमारे पास एक और टॉम्ब है, ठीक है 7, 8, ये ओपन हैट है 9, क्रैश हो गया हमारे पास।
और ये हमारे पास लास्ट में एक और क्रैश ऐड हुआ हुआ है, ये हमारे पास हाफ क्रैश या शॉर्ट क्रैश आप इसको कह सकते हो। तो ये टोटल हमारे पास 10 एलिमेंट्स हैं। तो अब बेसिकली हमने करना क्या है कि ये वाली जो हमारे पास ड्रम फुल की जो पूरा इंस्ट्रूमेंट ट्रैक है, इसे हमने 10 दफ़ा डुप्लीकेट करना है, ठीक है, जिसके अंदर हमारी किक अलग हो जाएगी, स्नेयर अलग हो जाएगी, स्टिक अलग हो जाएगी, हाई हैट्स अलग हो जाएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है ये। मैं सबसे पहले इसे कर लूँगा डुप्लीकेट, ठीक है, और उसके बाद मैं जाऊँगा इस पूरी फाइल के अंदर और यहाँ से ये सारी चीज़ें डिलीट कर दूँगा, सिर्फ किक रहने दूँगा जो कि C1 पर है, ठीक है। ये हमारे पास पूरी किक आ गई और इसका मैं नाम दे दूँगा किक, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर इसको वापस डुप्लीकेट कर लेंगे और यहाँ पर इसका नाम दे देते हैं स्टिक। सी शार्प पर हमारे पास स्टिक है, तो इन सबको मैं डिलीट कर दूंगा, स्नेयर्स भी डिलीट कर दूंगा और इसमें मैं किक भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि हमें स्टिक चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास स्टिक आ गई। इसके बाद वापस मैं डुप्लीकेट कर लूंगा इसको और उसके बाद अब हम इसके स्नेयर्स ले लेंगे। यहाँ पर स्नेयर्स हैं तो इनका नाम हम दे देते हैं स्नेयर्स। इसी तरीके से ये सारे एलिमेंट्स को मैं सेपरेट कर लूँगा। मैं जल्दी से ये कर लेता हूँ और उसके बाद बात करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि मैंने इन सबको सेपरेट कर दिया है और यहाँ पर मेरे पास ऑलमोस्ट 10 ट्रैक्स आ गए हैं और हर एलिमेंट एक अलग ट्रैक में चला गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ठीक है। तो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि इन सबको वेव्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ऐसा मैंने क्यों किया? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं ड्रम ट्रैक्स पर रहकर, जिस पे पूरे ड्रम सीक्वेंस हुए हुए थे, उस पे रहकर मैं कुछ प्लगइन्स लगाता, उन्हें प्रोसेस करता, तो वो ओवरऑल प्रोसेसिंग हो रही होती पूरे ट्रैक पर। अभी मैं किक को अलग मिक्स कर सकता हूँ, स्टिक को अलग मिक्स कर सकता हूँ, स्नेयर को अलग मिक्स कर सकता हूँ। आप लोग इन्हें वेव्स में कन्वर्ट किए बगैर भी मिक्स कर सकते हो अगर आपका सिस्टम आपको इजाज़त दे रहा है, बट प्रोफेशनल और इंडस्ट्री वे यही है कि वेव्स के अंदर कन्वर्ट की जाती हैं फाइल्स, जैसे मोस्टली ड्रम्स वगैरह को मैं वेव्स में कन्वर्ट करके मिक्स करता हूं। क्योंकि अब मैंने सीक्वेंस और अरेंजमेंट कंप्लीट कर लिए, जब आप अरेंजमेंट कंप्लीट कर लो तो अब आप इन्हें वेव्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। उससे फायदा यह होगा कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट लोड खत्म हो जाएगा। पहले हमारे पास जब ड्रम्स हमने सीक्वेंस किए थे उस वक्त सिर्फ ड्रम्स का एक VST लगा हुआ था। अभी आप देख सकते हो कि हर चीज को जब मैंने अलग कर दिया तो मेरे पास हर ट्रैक के अंदर एक ड्रम VST लगा हुआ है। दैट मींस मेरे पास अब एक की जगह 10 ड्रम VSTs हैं। उससे मेरा सिस्टम पे लोड ज़्यादा बढ़ गया है और अब जब मैं इन पे इफेक्ट्स लगाऊंगा तो उससे बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी मेरे सिस्टम पर। तो अब मैं बेसिकली क्या करूँगा कि इन सब को मैं सेलेक्ट करूँगा, ओके, और इन सब ट्रैक्स को भी सेलेक्ट करूँगा और इन्हें मैं वेव्स के अंदर कन्वर्ट करूँगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या करेंगे हम, यहाँ पर एडिट के अंदर आएंगे और एडिट के अंदर एक ऑप्शन है रेंडर इन प्लेस, रेंडर विद करंट सेटिंग्स। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो ये सब रेंडर हो जाएंगी। तो ये सारी वेव्स फाइल मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं, आप देख सकते हो, और जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ट्रैक्स थे वो म्यूट हो गए हैं। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और अब मैं इन्हें डिसेबल कर देता हूँ और मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ एक्स्ट्रा। ये मेरे मतलब एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, मतलब मुझे अपना प्रोजेक्ट साफ़ सुथरा अच्छा लगता है, इस वजह से मैं ये सारे एक्स्ट्रा स्टेप्स यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो अब हमारे पास आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट का एक वेव फाइल आ गई, किक अलग हो गई है, स्नेयर अलग हो गई है। ओके, अब हम इनको सीक्वेंस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे किक रख लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं हाई हैट्स रख लेता हूँ, उसके बाद मैं स्टिक रख लेता हूँ, उसके बाद मैं स्नेयर रख लेता हूँ, उसके बाद मैं हाई हैट 2 रख लेता हूँ, उसके बाद हम ओपन हैट रख लेते हैं, टॉम 1 और ये टॉम 2। अच्छा, इनके आगे जो R लिखा हुआ है वो रेंडर का साइन है। ओके, अब इनको हम कलर कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ये अच्छे लगें ताकि ये हाई हैट्स आ गए हमारे पास। तो ये सब अब मैंने कलर भी कर दिए हैं और एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं जो कि होगा ड्रम्स का फोल्डर, ठीक है, ड्रम्स, ओके, और इनके अंदर ये सारी फाइल्स मैं भेज देता हूँ। तो ऑर्गेनाइज करके रखना प्रोजेक्ट काफ़ी बेहतर होता है, उससे ये होता है कि आपको एक स्पेस मिल जाता है और आपका प्रोजेक्ट खूबसूरत दिखता है। तो ये सारे स्टेप्स थे जो हम फॉलो करते हैं इनिशियली ड्रम्स की मिक्सिंग में। अब बात कर लेते हैं कि हम इन्हें मिक्स कैसे करें। ओके, तो सबसे पहले इन्हें सुन लेते हैं कि क्या ये वैसे ही साउंड कर रहे हैं जैसे मिडी फॉर्मेट में कर रहे थे। तो ये बेसिकली बिल्कुल वैसे ही साउंड कर रहे हैं।
और अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेसिंग की कि हमने किस तरह से इन पे प्रोसेसिंग अप्लाई करनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं जो भी किक इस ड्रम VST से उठाता हूँ, मैं सबसे पहले उसे डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि मैं कुछ फ्रीक्वेंसी एडजस्टमेंट इस पे करूँगा, इस ट्रैक पे और इस ट्रैक पे करूँगा, क्योंकि ये वाली जो किक थी ये बहुत ही कोई नीचे साउंड कर रही है और बहुत ही छोटी साउंड कर रही है, ठीक है, फेक लग रही है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक यहाँ पर बेसिकली इन दोनों को एक बस ट्रैक में भेज देते हैं और इनका नाम दे देते हैं किक बस, ठीक है, और किक के अंदर हम जाते हैं, ज़्यादा कोई प्लगइन्स नहीं लगेंगे, सबसे पहले हम इन्हें इक्वलाइज़ करेंगे और उसके बाद हम इनके अंदर कंप्रेशन अप्लाई करेंगे। स्नेयर या स्टिक पे देखेंगे, अगर रिवर्ब वगैरह की नीड हुई तो हम वो भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किक की, और किक के अंदर हम सबसे पहले एक प्लगइन यूज़ करेंगे जो कि है फ्रीक्वेंसी। आप कोई भी इक्वलाइजिंग का प्लगइन यूज़ कर सकते हो, आप फिल्टर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है। सबसे पहले हम इस पूरे पोर्शन को लूप कर लेंगे, सोलो करके सुनाता हूँ। ये देख सकते हो आप कि इस पूरे किक के अंदर हमारी जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, ठीक है। दूसरी किक मैंने अभी फ़िलहाल बंद कर दी है, और आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो इक्वलाइज़र है मैंने इस ट्रैक पे लगाया है, अभी मैंने बस ट्रैक पे कोई प्रोसेसिंग नहीं की, ओके। अब हम सबसे पहले इसे इक्वलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा कट कर लेता हूँ यहाँ से, ओके, और हम इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज भी कट कर लेते हैं, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पास दूसरी जो किक है उसके अंदर मैं ये मिड और हाई की फ्रीक्वेंसीज रख लूंगा। ओके, ओके, अभी बहुत नीचे आ रहा है ये, ठीक है। तो अब हम इस पर कंप्रेसर अप्लाई कर देते हैं, और कंप्रेसर मैं जो यूज़ करूँगा वो चैनल स्ट्रिप के अंदर करूँगा। अगर आप चाहते हो कि चैनल स्ट्रिप पे पूरी एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, हैशटैग चैनल स्ट्रिप लिख के, ओके। तो यहाँ पे हम चैनल स्ट्रिप पे आते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्यूबेस का अपना कंप्रेसर है। सबसे पहले मैं इसका ऑटो मेकअप बंद करूँगा, ओके, और उसके बाद हम इसके थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा खेलेंगे, और इसके अंदर जो रेशो रहेगा वो बिल्कुल हाई रहेगा, क्योंकि हम रेशो की सेटिंग्स मोस्टली हाई रखते हैं बेस की मिक्सिंग में और जब हम अपनी किक को मिक्स कर रहे होते हैं। तो हम यहाँ से किक को वापस सोलो कर लेते हैं ताकि हमें ये थोड़ी सी और प्रोमिनेंट सुनाई दे। अभी आप देख सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा कंप्रेस आ रही है। तो हम यहाँ से इसका मेकअप बढ़ाते हैं, ठीक है, इसको मैं 10 डेसिबल्स पे ले गया हूँ, और इसका जो थ्रेशोल्ड है वो मैंने 20 रखा है, इसे वापस 8 पे ले जाते हैं, ओके। सिक्स रख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब हम अपनी दूसरे किक की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी सी सबसे पहले इक्वलाइजेशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सेम मेथड अप्लाई करूँगा मैं, ओके, एक थोड़ा सा नॉच यहाँ पे लगा दिया मैंने, ओके। मुझे लग रहा है कि मुझे एक और दफा किक को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ से कट कर देते हैं। अब दूसरी किक ऑन करते हैं, ओके, नॉट बैड, अच्छा साउंड कर रही है,
हम थोड़ा सा इसको पहले कंप्रेस कर लेते हैं। ऑटो मेकअप बंद कर रहा हूँ मैं इसका सबसे पहले। ऐसी साउंड कर रही है अब हमारी किक, और मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा सा मेकअप बढ़ा सकते हैं लो वाली किक के अंदर। ओके, और यहाँ से मैं ज़रा अपनी हाई वाली किक को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ओके, अब हम चलते हैं अपने बस ट्रैक की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम इसको भी इक्वलाइज कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि ये ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है हमें ये मिल रहा है हमारे पूरे किक का। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसके अंदर देखता हूँ कि कुछ अगर खराब फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे कि ये है, ओके, और हम थोड़ा सा अपना बेस बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। मैं एक लो शेल्फ ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी इसकी हाइज भी कट कर दी हैं। अब हम इसके अंदर भी कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, और इसके अंदर जो कंप्रेशन हम लोग अप्लाई करेंगे, हम देखते हैं कि हम यहाँ पे ट्यूब कंप्रेसर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्यूबिस का अपना ही है, अगर आपके पास क्यूबिस के अलावा कोई प्लगइन है तो आप कोई भी ट्यूब कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो। ओके, अब आप देख सकते हो कि हमारी जो केक है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ओके, तो यहाँ पे अब हमारी जो किक है वो काफ़ी बेहतर साउंड कर रही है, और किक के अंदर अब मैं क्या करता हूँ कि एक लिमिटर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि हमारी किक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं और ब्रिक वॉल लिमिटर, एक क्यूबिस का अपना है, उसे यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और इसकी जो थ्रेशोल्ड है वो हम रख लेते हैं -5 या -6 के दरमियान। अभी ज़रा सुनते हैं कि कैसी साउंड कर रही है हमारी किक। ओके, -8 रख लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ जो कि हमारे हाई हैट्स हैं। बेसिकली हाई हैट से पहले मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम अपने स्टिक को थोड़ा सा बैलेंस कर लें। ठीक है, स्टिक और स्नेयर्स को, स्नेयर्स और स्टिक पहले सुन लेते हैं। ओके, तो ये पूरी फ्रीक्वेंसी रेंज है हमारे स्टिक की। बेसिकली मेरी काफ़ी सारी मिक्सिंग वीडियोस के अंदर मैंने कुछ टेक्निक्स बताई हैं, अगर आप ने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो भी जाकर आप देख लें कि ये सारी जो टेक्निक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं ऑलरेडी वो सब कुछ वहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ बेसिकली, लेकिन जो भी चीज़ें हैं उन्हें कंसाइज करके मैं यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली स्टिक है। मैं ज़रा इसको सोलो करता हूँ और आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले इसको कट कर देते हैं 96 तक। ठीक है, और हम पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई फ्रीक्वेंसी है या साउंड है। यहाँ से शुरू हो रहा है,
लेकिन 136 ऑलमोस्ट 150 तक हमारे पास कोई साउंड नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसे 150 तक पहले कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये क्लीन हो जाए। उसकी वजह यह है कि अभी हमें साउंड नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन जब हम इसे कंप्रेस करके ऊपर करेंगे या इसे बैलेंस करेंगे तो वो भी चीज़ ऊपर होगी जो मडीनेस है, जो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से इसको भी कट कर लेते हैं, इसकी हाई फ्रीक्वेंसीज को थोड़ा सा, ठीक है। सोलो करके सुनते हैं, अब ये कुछ इस तरह के साउंड कर रहा है और पहले ही कुछ इस तरह से था। ओके, अब हम इस पे भी कंप्रेसर भी अब हम इस पे कंप्रेसर अप्लाई कर देते हैं। बहुत ऊपर आ रहा है, माइनस 24, बहुत ज्यादा कंप्रेस लग रहा है। ओके, अब ये काफी बेहतर साउंड कर रहा है। ओके, नाइस। तो इस तरह से हमने अपने स्टिक को भी बैलेंस कर लिया। अब हम चलते हैं अपने स्नेयर्स की तरफ। स्नेयर्स को भी हम सेम मेथड से इक्वलाइज करते हैं और उसके बाद हम इसे कंप्रेस करते हैं। स्नेयर को बैलेंस करने के बाद हम कुछ इफेक्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मैंने स्नेयर वाला पोर्शन अब लूप कर लिया है, स्नेयर वैसे भी बहुत अच्छा साउंड कर रहा है। वही मेथड अप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें भी। कुछ इस तरह से साउंड कर रहा था। काफी सटल चेंज है लेकिन काफी बेहतर साउंड कर रहा है। अब हम कंप्रेसर अप्लाई कर लेते हैं इस पर।
बहुत सटल चेंज है। ओके, अब काफ़ी बेहतर साउंड करें हमारे स्नेयर्स। और अब हम चलते हैं अपने हाई हैट्स की तरफ, और स्टिक और स्नेयर्स के अंदर जो हम एफएक्स की बात कर रहे थे वो हम बाद में करेंगे, पहले हम हाई हैट्स को भी बैलेंस कर लेते हैं अपने। सेम मेथड, सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे यहाँ पे कोई भी इक्वलाइजेशन के लिए। हमारे जो हाई हैट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रहे हैं। थोड़ा बेहतर साउंड कह रहे हैं, सोलो करके सुनाता हूँ। यस, अब थोड़ा सा ऊपर आ रहे हैं। सेम सेटिंग्स में अपने हाई हैट्स 2 पे भी रखूँगा, तो बेसिकली हम चलते हैं अपने मिक्सर सेटिंग्स की तरफ, और लोअर जोन हमारे पास यहाँ से आता है, ठीक है। आप यहाँ पर आ सकते हो इंसर्ट्स के अंदर, ये पहले ऐसे होता है, फिर आप इंसर्ट्स में आ सकते हो, और उसके बाद हम यहाँ से जो हमने हाई हैट्स पे अप्लाई किए थे और दबा के मैं इसे यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँगा, ठीक है। थोड़ी सी एडजस्टमेंट हम उसमें अंदर कर लेंगे, लेकिन अभी हम इसको सबसे पहले बैलेंस करते हैं, ठीक है। .5 सुनते हैं। बहुत ऊपर आ रहा है, अभी भी ऊपर लग रहा है मुझे। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉम्स की तरफ, और हम अपने टॉम्स को ज़रा देख लेते हैं कि वो कैसा साउंड कर रहे हैं। सबसे पहले इन दोनों को मैं सोलो कर लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों को हम एक बस ट्रैक में भेज देते हैं, और इनका मैं नाम दे देता हूँ टॉम्स बस, ठीक है। इन दोनों को हमने यहाँ भेज दिया है, और इनको ज़रा सुन लेते हैं, ठीक है। ओके, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि एक हमारा थोड़ा सा राइट पर आ रहा है, तो हम इसको राइट पर थोड़ा सा और पैन कर देते हैं ताकि थोड़ी सी और स्टीरियो विड्थ बन सके, ठीक है। अब ज़रा सुनते हैं। ओके, थोड़ा सा और कर देते हैं हम इसको। और राइट वाले को भी थोड़ा सा कर देते हैं। यस, सही है। अब चलते हैं हम इसकी प्रोसेसिंग की तरफ, और सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इस पूरे पोर्शन को हम थोड़ा सा लूप कर लेते हैं, क्योंकि ये जस्ट थोड़ी सी ही जगह पर हैं, बहुत सटल आ रही हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को लूप कर दिया है मैंने, और यहाँ से ये हमारे पास सेकंड है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी लोड्स थोड़ी सी कट कर देता हूँ।
ओके, तो उसी के साथ साथ हम अपनी सेकंड टॉम को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन हम इसको सबसे पहले कंप्रेस कर लेते हैं। ओके, अब ये सही लग रहा है, और यही की यही जो फ्रीक्वेंसी हमने एडजस्टमेंट की है उसे टॉम टू पे भी अप्लाई कर देते हैं। ओके, सही। अब जरा सुनते हैं इनको। ओके, अब थोड़ा सा हम इनको यहाँ पे भी देख लेते हैं, इनके बस ट्रैक के अंदर जो हमने बनाया था। ओके, इस पोर्शन को वापस हम लूप कर लेते हैं और ज़रा सुनते हैं। और यहाँ पर मैं वापस ट्यूब कंप्रेसर अप्लाई करके देखता हूँ कि वो कैसा लग रहा है। ओके, बेहतर साउंड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है टॉम्स काफ़ी ऊपर आ रही हैं, तो हमें बेसिकली यहाँ से उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा और इन्हें हम नीचे ले जाते हैं थोड़ा सा। अब ज़रा सुनते हैं कि कैसा साउंड। सिक्स रख लेते हैं दोनों। अब जरा सुनते हैं कि कैसे लग रहे हैं हमारे टॉम्स। यस, बेहतर है। अब चलते हैं हम अपने क्रैश की तरफ और क्रैश को थोड़ा सा पहले इक्वलाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास क्रैश है और इसके अंदर कुछ ज्यादा होगा नहीं, थोड़ा सा बस बैलेंस कर रहा हूँ मैं इसे। ओके, अब हम कंप्रेसर अप्लाई कर देते हैं इस पर। क्रैश वैसे ही अच्छा साउंड कर रही है, ऑलमोस्ट -26, काफ़ी नीचे चला गया। और यही सारी सेटिंग्स हम अपने क्रैश शॉट पर भी अप्लाई कर देते हैं। सिंपल, मैं यहाँ से इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और इसे भी हम कंप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी ज़रा बैलेंस कर लेता हूँ मैं यहाँ से, 24 रख लेते हैं। अभी भी ऊपर आ रहा है, 7, 27.5 करते हैं इसको। सही। ओके, तो कुछ एलिमेंट्स बेसिकली क्या हुआ कि कट हो गए, लेकिन उन्हें हम वापस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं कि यहाँ से वो मैं रखता हूँ और अपना स्नेर यहाँ से वापस लगा देता हूँ यहाँ पर। हम ये भी ले लेते हैं। ठीक है,
वो बेसिकली इसलिए कट हो गए क्योंकि जब हमने इन्हें रेंडर किया था तो मैंने जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंड सिलेक्शन रख ली थी। तो बेसिकली जब आप रेंडर करो तो आप जब आपका एंड पार्ट हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना, ताकि अगर आपके एलिमेंट्स जहाँ ख़त्म हो रहे हो वहाँ तक वो हो बेसिकली, ठीक है। क्योंकि मिडी फाइल के अंदर अगर आप यहाँ तक भी प्ले करो तो वो पूरे प्ले होता है, लेकिन रेंडर जब उसने किया तो उसकी जो टेल थी वो कट हो गई। तो ये एक चीज़ है जो आपने नोट करनी है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर और क्या रह गया है, और एक ये चीज़ है जो कि हम यहाँ पे और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये भी ऐड हो गई और एक किक भी ऐड हो रही है लास्ट में। ठीक है, अब ज़रा सुनते हैं। तो अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पर हम और कर लेते हैं कि अपने स्नेयर्स और स्टिक के अंदर थोड़ा सा रिवर्ब ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि स्टिक और स्नेयर्स के अंदर ऐड ट्रैक टू यहाँ पर आता हूँ और FX चैनल टू सिलेक्टेड चैनल पर, ठीक है, और इसका नाम दे देता हूँ रिवर्ब। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक रिवर्ब ट्रैक आ गया है और रिवर्ब के अंदर हम जाते हैं रूम वर्क्स SE ले लेते हैं। ठीक है, क्यूबेस का अपना रिवर्ब है और इसके अंदर मैं रिवर्ब टाइम 5 रख लेता हूँ और इसका जो मिक्स है वो हम रख लेते हैं ऑलमोस्ट 10 रख लेते हैं फ़िलहाल। ठीक है, और इसकी जो हाई लेवल है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा करके साउंड आए। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं अपने स्नेयर्स के अंदर और इसे मैं सोलो कर लेता हूँ और यहाँ पे हमने ये अप्लाई किया हुआ है और इन दोनों को मैं प्री कर देता हूँ। अभी ये पोस्ट फेडर्स हुए हुए थे, और अगर आप चाहते हैं कि प्री और पोस्ट पे भी मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊँ तो मुझे बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली हम रिवर्ब को 20 पर ले जाते हैं और उसके बाद ग्रेजुअली हम इंक्रीज़ कर लेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, स्नेयर को भी मैं 20 पर ले जाता हूँ। अब ज़रा सुनते हैं कि हमारे स्नेयर कैसे साउंड कर रहे हैं। पहले ऐसे, अब ऐसे, बहुत ज़्यादा रिवर्ब थोड़ा सा इक्वेश हो गए हैं। इनको -22 रख लेता हूँ और स्टिक को भी -22 रख लेता हूँ। अब ज़रा सुन के देखते हैं कि ये कैसे साउंड कर रहे हैं हमारे पूरे ड्रम्स के साथ। बहुत सटल चेंज है लेकिन वो एक फील ऐड हो गई है उसके अंदर, और यही चीज़ हम यहाँ पे क्रैश के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्रैश की वैसे भी बहुत बड़ी टेल है तो आई डोंट थिंक ये उधर ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे FX भी ऐड कर लिया है अपने स्नेयर्स और अपनी स्टिक के अंदर। तो अब मैं आपको पहले सुनाता हूँ कि ये पहले कैसे साउंड कर रहे थे जब हमने इन्हें अरेंज किया था, और उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ जब हमने इन्हें मिक्स कर दिया तो अब ये कैसे साउंड कर रहे हैं। तो हम अपने पुराने ट्रैक को ले लेते हैं और वो ये रहा ड्रम्स का। इसे मैं इनेबल कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसे हम बाहर ले आते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं और ये वाले ड्रम्स को मैं म्यूट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं आपको सुनाता हूँ कि पहले कैसे साउंड कर रहे थे। और अब मैं आपको सुनाता हूँ कि ये मिक्स होने के बाद कैसे साउंड कर रहे हैं। अच्छा, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये गिटार कैसे स्लो हो रहा है, तो ये बेसिकली टेम्पो ट्रैक थ्रू हुआ है। अगर आप चाहते हो कि टेम्पो ट्रैक पे भी पूरी एक वीडियो बनाओ तो मुझे बता देना। तो खैर, ये सारा सीन था।
पूरी ड्रम मिक्सिंग का। आई होप मैंने किसी चीज़ को मिस नहीं किया होगा। ड्रम्स मिक्सिंग के अंदर सबसे पहले आप उन्हें इक्वलाइज करते हो, उसके बाद आप उन्हें बैलेंस करते हो। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। समटाइम्स कुछ गानों के अंदर आपको किक बहुत ज़्यादा उसका लो एंड बढ़ाना पड़ता है, वो आपके गानों की डिमांड होती है। ये एक एक्यूस्टिक ट्रैक है तो उसके अंदर ये इतना इनफ लग रहा है। आप एक पूरा एक बस ट्रैक भी बना सकते हो ड्रम्स के लिए, और उसके अंदर भी आप उसे बैलेंस कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो अगर आप चाहो तो। तो बेसिकली ये था ड्रम्स मिक्सिंग सेशन। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो काइंडली लाइक कर देना और कॉमेंट्स में बताना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, ये वीडियो कैसा लगा। उसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर मैं मोस्टली एक्टिव रहता हूँ। अगर आप पर्सनली ऑडियो इंजीनियरिंग, म्यूजिक प्रोडक्शन मुझसे सीखना चाहते हो या अपने गाने मेरे स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बस ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हसन शेख साइनिंग ऑफ। पीस आउट। चाहता था तुझे।